नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरती प्रजापति आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर आठ की और उसमें हम बात करेंगे आईसीटी की ओके okay? जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के जो स्टोरेज के जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बिट्स बाइट्स ओके के बी एम बी जी बी टी बी पी बी जेड बी वाई बी इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो भी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाली ओके तो बने रहिए वीडियो के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू तो टाइम आपको मिलती रहे ओके चलिए चलते हैं टॉपिक की और उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है ओके कि जो बच्चे यूसी नेट पेपर वन की कर रहे हैं या जी सेट की कर रहे हैं या पी एच डी की कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आ, सब्सक्राइब करके रखिए ओके जिसका नाम है आरती प्रजापति जहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं ओके और जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले जो यू जी सी नेट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं जी सेट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं पी एच डी की प्रिपेरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ओके तो वो लोग मेरी आ, जो अलग से चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी उसको आ, सब्सक्राइब करके रखे ओके चलिए अब की बार नेट जे आर एफ पार ओके और जिन बच्चों का नेट हो चुका है जे आर एफ का सपना है उनके लिए अलग से

रेडी स्टडी गो सबसे पहले बात करते हैं कि डाटा जो होती हो के जो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं डाटा ओके तो डाटा का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको बीट बोला जाता है ओके ये देखिए हम लोग बीट और बाइट में बहुत कन्फ्यूज होते हैं ओके कुछ बच्चे बीट और बाइट दोनों को सेम समझते हैं नहीं दोनों सेम नहीं दोनों अलग अलग है बीट जो होता है ना वो मतलब कि डाटा की सबसे छोटी इकाई यूनिट मतलब इकाई सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है ओके और बाइट तो उससे ज्यादा होती है ओके तो बीट होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है ओके जो होती है उसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं वो बाइनरी बाइनरी डिजिट डिजिट से से बनती बाइनरी से है ओके कौन हमारे कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जीरो और वन की लैंग्वेज को समझता है ना वो बात हमने आगे भी क्लास के अंदर कंप्यूटर के क्लास के अंदर बताई हुई थी ओके तो यहाँ पर जीरो और वन जो है वो बाइनरी डिजिट है और इसी के इसी से बने हुए जो भी कोड होते हैं उसी को मतलब कंप्यूटर समझ पाता है ओके जब भी हम जो भी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं उस मशीनी लैंग्वेज मतलब कि उस लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है ओके मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर कंप्यूटर को समझाता है बाइनरी कोड के अंदर ओके तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि आपके स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकते ओके या तो फिर रीजन में भी आ सकते ओके जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन ओके ये भी आपको याद रखना है चले अब बात करते हैं आगे तो देखिए सबसे पहले अगर हमने बताया बीट बीट आता है ओके बीट के बाद बाइट आता है आपका ओके बाइट के बाद आपका के बी आता है के बी के, के बाद एम बी आता है एम बी के बाद जी बी आता है जी बी के बाद टी बी आता है टी बी के बाद पी बी आता है पी बी के बाद ई बी आता है ओके ई बी के बाद जेड भी आता है लास्ट में वाई ओके okay? आगे भी आता है बी आता है ओके okay? लेकिन हम तक तक नहीं जाना है हमें बस यहां पर भी तक। वैसे तो आपके एग्जाम के अंदर पी बी तक ही पूछा जाता है लेकिन ये एक्स्ट्रा में आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एंटी का कोई भरोसा नहीं है आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ओके तो शुरुआत सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है बीट है ओके और बाइट तो उसे बड़ी होती है ओके तो यहाँ पर देखो बीट से शुरुआत की है आपको ये पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है बिकॉज इसी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ओके क्रम में लगाने के क्वेश्चन आते हैं, ओके तो याद रखने आप देखो इसको ट्रिक बीट और बाइट तो आपको वैसे भी याद रह जाएंगे लेकिन के बी एम बी जी बी वाला जो है ना तो उसके अंदर हमने एक ट्रिक बनाई है के एम जी ओके टी पी इजी ओके okay, ये ट्रिक है याद रखनी है आपको के एम जी टी पी इजी ओके okay, इसको याद रख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं सबके पीछे बी लगाना बी का मतलब है बाइट की बात हो रही ओके okay, जब भी यहाँ पर जो लगेगा ना ये सबके पीछे वो बाइट लगेगा क्या लगेगा बाइट लगेगा ओके okay, तो याद रखना है तो के एम जी टी पी इजी याद रह जाएगी ट्रिक सबको बता दो एक बार यस या नो ओके okay, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपको लोगों को याद रहेगा के एम जी टी पी इजी बताओ हाँ, चलिए अब बात करते हैं वन बीट वन बीट जो होता है वो जीरो या वन से बना हुआ होता है जीरो और वन जो होता है वो आपका बाइनरी होता है ओके बाइनरी का बाई का मतलब क्या होता है दो ओके तो यहाँ पर जीरो और दो वन ये दो ही मतलब नंबर होते हैं जीरो और वन ओके ये दोनों में से कोई भी अंक मतलब की होता है तो उसको वन बिट बोला जाता है क्लियर फिर वन बिट से आगे आते हैं तो अगर हमारा चार बिट बनता है तो चार बिट क्या होता है यहाँ पर ऐसे में सिंबल ऐसे लगा रही हूँ कि वन बिट का मतलब है जीरो वन से बिट बनेगा जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में लिखती हूँ वन जीरो तो ये क्या हुआ बिट का एक बना है ना इसी तरीके से मैं अगर लिख दू वन वन जीरो वन तो ये क्या है फॉर बिट का बना हुआ है ओके तो फॉर बिट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है वन निबल के बराबर होता है ओके एक निबल माना जाता है ये जो चार का ये जो पैर बना ना चार बिट्स का उसको क्या बोला जाता है वन निबल बोला जाता है या तो फिर आप उसको आधा बाइट्स भी बोलते हैं आधा बाइट भी बोलते हैं ओके आधा बाइट भी बोलते हैं ओके क्लियर क्योंकि जो पूरा बाइट होता है ना वो आठ डिजिट का बनता है ओके आठ का आठ का आठ बिट का बनता है ओके तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिख लूँ वन वन जीरो जीरो वन 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 ओके जस्ट एग्जाम्पल है ओके कोई भी हो सकता है जीरो वन से कोई भी यहाँ पर डिजिट बन सकता है ओके okay? तो यहाँ पर मैंने क्या किया चार चार के देखो दो मतलब टोटल मैंने आठ बनाए तो ये क्या हो जाएगी आपके वन बाइट माना जाएगा क्या माना जाएगा वन बाइट माना जाएगा ओके okay? अगर आधा कर रहे हो तो आधा बाइट हो गया ओके okay? और आधा बाइट जो होता है वो क्या होता है वन निबल के बराबर होता है अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो आपके कितने बन जाएंगे टू निबल ये टू निबल ओके दो पार्ट हुए ना तो दो निबल बन गए क्लियर यहाँ पर ओके okay? तो फोर बिट्स इज इक्वल टू कितने निबल हो गए वन निबल हो गए बाइट कितने होंगे आधा बाइट होगा ओके okay? और एट बिट्स इज इक्वल टू कितने निबल्स होंगे तो अब आपको पता चल गया है आधा आधा हिस्सा हमने कर दिया यहाँ पर ओके okay? यहाँ पर आधा आधा चार चार की प्यारी यहाँ पर बनी थी ये वन निबल है और ये दूसरा निबल है ओके टोटल कितने हुए आपके दो निबल कितने हुए दो निबल ओके और पीट बाइट कितने होंगे बाइट आपके कितने होंगे वन बाइट हो गए ओके वन बाइट होगी ओके अगर आधे की बात करती हूँ तो आधा बाइट होगा क्लियर चलिए एट बिट्स इज इक्वल टू वन बाइट क्लियर यहाँ तक ओके okay, वह एक हजार चौबीस बीट्स होता है वो किसके बराबर होता है एक सौ अट्ठाइस बाइट बनता है ओके okay? अब ये कैसे आए एक सौ अट्ठाइस बाइट आप बोलोगे कि मैम तो देखो आठ बिट्स है ना आठ बिट्स के बराबर कितने हैं वन बाइट है तो एक हजार चौबीस बीट्स के बराबर कितने 128 होंगे एक सौ अट्ठाईस बाइट होंगे ओके तो ये भी आपको याद रखना है अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आपको मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए क्लियर और यहाँ पर देखो टोटल दो सौ छप्पन होते हैं है ना ये भी आपको याद रखना है दो सौ छप्पन कैसे हो गए बारह दुनी चौबीस ओके एक सौ अट्ठाईस प्लस एक सौ अट्ठाईस करो कितने होंगे सोलह यहाँ पर वन फाइव वन ओके टू दो सौ छप्पन ओके तो जो वर्ड्स होते हैं टोटल आपके जो बनते हैं ओके okay? वो टोटल कितने होते हैं मैक्सिमम दो सौ छप्पन होते हैं क्लियर दो सौ छप्पन क्या होते हैं भाई वर्ड होते हैं ओके क्लियर चलो अब आगे आते मैन जो है ये जो टेबल है इसको आपको याद रखना है ओके सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे के बी से करेंगे क्योंकि बीट बाइट तो हमने देख लिया ओके लेकिन शुरुआत होगी हमारी के बी से जो मैंने आपको याद रखवाया था क्या याद रखाया था के एम जी फिर टे टी पी और उसके बाद क्या है के एम जी टी पी इजी है ना इजी इजी है के एम जी टी पी इजी है ओके याद रख लो के एम जी टी पी इजी है ओके

के भी होंगे ओके तो एक हजार चौबीस एम बी जब के बनेंगे बने एक हजार चौबीस के भी बनेंगे। तब हमारा क्या बनेगा बनेगा तो याद रख लो एक हजार चौबीस क्या बनेगा के भी बनेगा के भी बनेगा तो वन एम बी बनेगा ओके उसके बाद देखो एक हजार चौबीस एमबी है मैं यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर लिखवाती ओके चले एक हजार चौबीस kb इज इक्वल टू क्या होगा 1 mb होगा ओके उसके mb के बाद क्या आता है gb आता है तो एक हजार 1024 uh, mb इज इक्वल टू 1 gb आएगा ओके gb के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर kg फिर हमने क्या रखा याद रखवाया था tp है ना तो यहाँ पर tb tb 1 tp कब बनेगा जब एक हजार चौबीस जी बी बनेगा ओके एक हज़ार चौबीस जी बी करोगे तो वन टी बी बनेगा उसी तरीके से एक हज़ार चौबीस टी बी अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा वन पी बी बनेगा ओके okay? और उसी तरीके से आगे बढ़ो एक हज़ार चौबीस पी बी बनाते हो तो क्या बनेगा इजी ई बी ओके वन ई बी बनेगा ओके okay? एक्सा बाइट बनेगा और एक हजार चौबीस एक्सा बाइट इज इक्वल टू कितना बनेगा जेड बी मतलब कि जेड बाइट ओके okay? और एक हज़ार बाइट इज इक्वल टू कितना बनेगा योटा बाइट मतलब कि वन योटा बाइट क्लियर इस तरीके से आपको ये इतना समझ में आना चाहिए अब आपको यहाँ पर टफ कुछ भी नहीं लगना चाहिए इसको प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह आप भी मतलब कि इजीली uh, uh, क्या है भाई बिना देखे लिख पाओगे ओके okay? और याद भी रख पाओ, पाओगे कुछ भी नहीं है यहाँ पर एक है ओके okay, तो पर आपको पता होना चाहिए okay? वाले को देखना है साथ में लेकर चलना है ओके वन ई इक्वल टू एक हजार चौबीस पी बी वन जेड बी इज इक्वल टू एक हजार चौबीस इबी और वन वाई बी इज इक्वल टू एक हजार चौबीस जेड बी क्लियर चलो ओके okay. आप देखो यहाँ पर समझते हैं ये बात तो मैंने आपको बता दी वन इक्वल टू एक बाइट इज इक्वल टू इक्वल टू कितने होंगे एक हजार चौबीस इबी और एक वाई बी इज इक्वल टू कितने होंगे एक हजार चौबीस जेड बी क्लियर अब अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि अगर मैं यहाँ पर के बी की बात कर रही हूँ तो एक के बी बराबर कितने होते हैं आठ हजार बीट्स होते हैं ओके अब मुझे यहाँ पर वन एम बी देखना है एक बी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वन की बात के एक एम बी को लिखना है तो मुझे इसको किस तरीके से बाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगी मैं तो यहाँ पर देखो एक हजार चौबीस और एक हजार चौबीस एक हजार चौबीस इंटू एक हजार चौबीस में इसको करूंगी तब जाके ये क्या बनेगा हमारा वन एम बनेगा क्या बनेगा वन एम बनेगा ओके तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ओके उसके बाद देखो Uh, आगे बात करते वन जी बी है तो उसके अंदर आप क्या करोगे एम बी के अंदर जो एक हजार चौबीस था एक हजार चौबीस ओके तो यहाँ पर भी उसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो ओके okay? आगे वाले में एक को मल्टीप्लाई कर दो एक हजार चौबीस को तो यहाँ पर ये यह आपका आंसर बनेगा ओके okay? ये क्वांटिटी है उसकी ओके और वन टीबी की बात करो तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा लो ओके तो यहाँ पर चार एक हज़ार चौबीस आ गए है ना इंटू मतलब इंटू के संदर्भ में आ गए उसी तरीके से वन पीबी की बात करते हैं तो एक हजार चौबीस अब आप कहोगे कि, कि मैम एक हजार चौबीस आए कहाँ से तो टू की पावर टेन करते हैं ना तो एक हजार चौबीस आते हैं मतलब टू इंटू 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 टू कितने हुए तीन छः दो आठ और ये नो और एक दस ओके अब इसको मतलब गुना कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा एक हजार चौबीस कितना बनेगा एक हजार चौबीस ओके वहां से एक हजार चौबीस आया है क्लियर क्योंकि ये बाइनरी नंबर होता है ना इसी वजह से दो नंबर होते हैं जीरो वन ओके अब आगे देखो वन पी बी इज इक्वल टू करना है तो क्या करोगे टीबी के अंदर चार थे एक हजार चौबीस कितने थे चार थे इनटू क्या करना है एक हजार चौबीस अगेन इसके अंदर गुना कर दो क्लियर इसी तरीके से आगे बढ़ना है ई बी की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा आगे वाले पांच को ले लो मतलब कि एक हजार चौबीस कितने हैं पाँच एक दो तीन चार पाँच और ये वाला एक हजार चौबीस तो टोटल आपके कितने हो गए छ हो गए इसी तरीके से जेड की बात करते हैं तो उसी के अंदर इस तरीके से ले लो तीन तीन सात हो गए ओके छः तो थे और ये, ये भी वाले इसके अंदर गुना हो गए ओके उसी तरीके से भाई भी की बात करते तो भाई बी में भी इसी तरीके से होगा आगे वाले के साथ ले लो और ये वाला एक आ गया आठ के तो ये बन गया आपका आ, एक हज़ार चौबीस वाली जो सीक्वेंस पूछी जाती है ओके कभी कभी आपको जोड़ मिलाने में भी आती है जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पूछ लूँ आपको कि एक हजार चौबीस एक हजार चौबीस इंटू एक हजार चौबीस इंटू एक हजार चौबीस ये किसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो किसके बराबर है एक हजार चौबीस इंटू एक हजार चौबीस इंटू एक हजार चौबीस किसके बराबर है वन एम बी वन के बी वन सी बी के वन टी बी बताओ ऐसे क्वेश्चन जोड़ मिलाने में आते हैं ओके तो ये आपको याद रखना है बताओ यस yes. तो यहाँ पर क्या आएगा देखो हमने यहाँ पर बताया था वन जी बी के बराबर हो गया ये ये वन जी बी के बराबर हो गया ओके तो ऐसे क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है दो हजार उन्नीस या बीस में भी आया हुआ है जोड़ मिलाने में ओके तो ये याद रखना है आप बाइनरी की बात करते हैं टू टू का जब हम बेस लेते हैं उसकी बात करते हैं तो टू का जब बेस लेते बाइनरी जो होता है वो उसका आधार क्या होता है दो होता है ओके okay? बेस होता है वो दो का होता है डेसिमल का बेस क्या होता है टेन होता है ओके okay? ये मैंने पुरानी क्लासेस के अंदर आ, मतलब पढ़ाया हुआ है okay? ओके बाइनरी में टू का बेस होता है डेसिमल में टेन का बेस होता है ओके okay? तो टू का बेस जब लेकर चलते हो तो यहाँ से टेन से लेकर चलना है एक की बात हो रही है ना तो यहाँ पर देखो एक हज़ार भी है तो यहाँ पर एक भी आप लिख सकते ओके okay? बिकॉज यहाँ पर टू की पावर टेन आ जाती है ना तो टू की पावर टेन मतलब कि एक हजार चौबीस बनता है ओके क्लियर तो अब देखो यहाँ पर बात करो टू की पावर टेन हो गई उसके बाद अब क्या होगा सभी में दस दस बढ़ेगा क्या होगा सभी में दस दस बढ़ेगा अब टू की पावर टेन थी तो एक हजार चौबीस आया था बिल्कुल टू की पावर अब दस बढ़ी तो कितना आया टू की पावर ट्वेंटी हो गई है ना टू की पावर ट्वेंटी हो जाएगी तो क्या होगा दस में क्या था एक हज़ार चौबीस था और उसके साथ एक हज़ार चौबीस आ गए है ना इसी तरीके से आगे देखो तो यहाँ पर देखो के बी एम बी में देखो यहाँ पर याद करवा लेती हूँ आपको ओके यहाँ पर करवा लेती हूँ चलो के बी में क्या है आपका टू की पावर टेन है फिर के बी फी एम बी जी बी ओके टी बी पी बी और इजी ए बी जेड बी और वाई बी सभी आ गए ना के एम जी टी पी इजी ओके सर सारे, सारे आ गए चलो इसको याद रख लो अब ओके तो टू की पावर टेन टू की पावर ट्वेंटी टू की पावर थर्टी टू की पावर फोर्टी टू की पावर फिफ्टी ओके टू की पावर सिक्सटी टू की पावर सेवेंटी और टू की पावर एटी ओके okay, क्लियर इस तरीके से ये पावर भी पूछी जा सकती है तो आपको पावर भी याद रखनी है कि जैसे कि मान लो कि मैं पूछ लूँ कि वन टी बी इज इक्वल टू किस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वन टी बी इज इक्वल टू टू की फॉर्टी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर तो इस तरीके से आपको ये पावर भी लिख लेनी है ओके okay, और याद कर लेनी है चलिए आगे देखते हैं ये पावर वाली बात होगी बेस बाइनरी बेस वाली अब डेसिमल की बात करें डे सी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दस की पावर थ्री होगी फिर सभी में थ्री थ्री बढ़ेंगे ओके जैसे कि दस की पावर थ्री हुई उसके बाद दस की पावर सिक्स हुई उसके बाद दस की पावर नाइन हुई थ्री थ्री बढ़ेंगे ओके अब ये थ्री थ्री बढ़ रहा है देखो दस की पावर थ्री का मतलब क्या होता है दस इंटू दस इंटू दस होता है ये दस की पावर थ्री की बात कर रही हो अभी ओके तो कितना हुआ वन जीरो हुए जीरो एक दो तीन जीरो लगे तो कुछ नहीं था ना दस की पावर थ्री की तो थ्री जीरो लगा लो बन के पीछे आ गया आंसर आपका है ना तो इस तरीके से इससे ही क्वेश्चन मोस्टली आपके सॉल्व होंगे डेसिमल से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वे में जितने भी मेमोरी के मेमोरी यूनिट्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो डेसिमल के बेस पर आप सॉल्व करने की कोशिश करना ओके वैसे मैं करवा रही हूँ आपको आगे ओके okay, चले तो यहाँ पर क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको सीक्वेंस लगा लेती हूँ के बी एम बी जी बी पी बी टी बी ओके ई बी सेड बी और वाई बी ओके के बी में क्या आएगा दस की के बी से ही शुरुआत करनी है कहाँ से शुरुआत करनी है जो भी शुरुआत करो के बी से ही करो के बी से शुरुआत की दस की पावर कितनी हुई थ्री हुई एम बी की बात की तो दस की पावर कितनी हो जाएगी अब तीन बढ़ाओ छः और जी बी की बात करो दस की पावर कितनी होगी नाइन पी बी वी की बात करो दस की पावर बारह होगी उसके बाद दस की पावर पंद्रह होगी तीन तीन बढ़ाते जाना और कुछ नहीं करना ओके दस की पावर Uh, कितनी होगी अठारह होगी दस की पावर इक्कीस होगी और दस की पावर अठारह चौबीस होंगे है ना वेट ओके दस की पावर कितनी होगी ट्वेंटी फोर होगी क्लियर इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है ओके okay? याद रहेगा ना ये सब थ्री थ्री को बढ़ाना है तीन छः नौ बारह पंद्रह बारह तीन पंद्रह पंद्रह तीन अट्ठारह तीन इक्कीस ओके इक्कीस तीन चौबीस क्लियर इस तरीके से अब आपको याद रखना है मैंने क्या बताया कि यहाँ पर दस की पावर थ्री की तो इसका मतलब क्या है तीन जीरो लगा लो जितनी पावर की है उतनी जीरो लगा लो अगर मैं यहाँ पर दस की पावर सिक्स लगाती हूँ तो कितने जीरो लगेंगे एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से ओके उसके बाद दस की पावर में नाइन कर रही हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इस तरीके से लगेगी जितनी पावर है ना उतनी वन के पीछे जीरो लगा लो और कुछ नहीं करना है और एग्जाम में इस बार पूछा गया है ओके okay? मैं आगे क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका भ्रम जो है ना कि मैम तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ पागल नहीं हूँ मैं इतना टाइम वेस्ट करके आपको पढ़ाती हूँ इतना सारा डाटा ढूंढ ढूंढ कर मतलब आपके लिए ये सारी पीपीटी पी टी बनाती ओके चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर समझ लो तस् की टेन पर थ्री पावर मैंने समझा दी वन थाउजेंड ओके okay, उसके बाद देखो ये कितने हैं तीन छः ओके छः ज़ीरो तो कितने होंगे आप बोलोगे दस लाख होंगे है ना तो ये भी आपको याद रखना है कि ये टेन लाख है ओके उसके बाद तो मतलब आपको याद भी नहीं होगा टेन लाख के बाद तो आ, आप आगे चलो तीन छः नौ ज़ीरो आ गए उसके बाद बारह जीरो है उसके बाद पंद्रह ज़ीरो है उसके बाद अट्ठारह ज़ीरो है उसके बाद इक्कीस ज़ीरो है और उसके बाद अ, यहाँ पर चौबीस आएगा ओके चौबीस जीरो है कितना है चौबीस ज़ीरो ओके okay, तो इतना सारा तो मतलब आपको खुद को भी नहीं पता होगा कितना होगा ओके okay? चलिए जितना होता है मैं आपको समझाती हूँ चलो ये समझ आ गया सबको बता दो तो ढेर सारे थम्सअप दे दो इतना समझ आ गया है तो ढेर सारे थम्सअप दे दो और जिनको समझ नहीं आया वो शांति से आराम से बैठे वीडियो को पहले लाइक कर दे क्योंकि मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगी ना तब आपके दिमाग में घुस जाएगा ओके okay? चलिए अब आते हैं इस स्लाइड को समझते हैं ओके okay? यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं ओके okay, अब देखो वन के भी जो है ना यहाँ पर अकेला के भी लिखा है ना इसका मतलब वन के भी होगा ओके okay? वो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम कर रहे हो okay? ओके तो चलिए वन के बी इज इक्वल टू कितने बाइट होंगे एक हजार बाइट होंगे ओके okay? ये हमने आपको बता दिया एक हजार बाइट्स होंगे और डेसिमल में देखो तो वन थाउजेंड इस तरीके से वन थाउजेंड ओके इस तरीके से थाउजेंड भी लिखा होता है क्लियर तो वन थाउजेंड आपको याद रखना है वन थाउजेंड बाइट आपको याद रखना है ओके okay? वन MB बी इज इक्वल टू क्या होगा वन MB बी इज इक्वल टू मिलियन बाइट ये पूछा गया है तो आपको यहाँ पर क्या दिक्कत थी भाई आपको बताया है कि KB से हमें शुरुआत करनी है ती, दस की तीन आ, पावर करनी है उसके बाद दस की छः पावर करनी है लगा लो एक दो तीन चार पाँच छः जीरो कुछ नहीं करना था है ना, अब million, trillion, ये तो मुझे आता नहीं है तो बिलियन कहलाता तो तो है ट्रिलियन कहलाता है ये तो, कहलाते, 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 ये तो मुझे पता ही नहीं है अब क्या करोगे फंस गए ना तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है ओके तो आराम से पढ़ा करो सब लोग चलिए वन एम का मतलब है वन मिलियन बाइट क्या समझ आए एम से एम समझ आ गया कि नहीं बताओ एम से एम समझ आया कि नहीं आया ना तो मिलियन और एम बी एम बी का एम मिलियन का एम बस यही समझ लो और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है भाई और टेन लाख तो वैसे भी आपको याद रह गया भाई इतना तो आपको गणित आता ही होगा कि इसको टेन लाख बोलते हैं है, है ना चलो जी अब आते जी बी जी बी में कैसे याद करोगी जी बी में बी है कि नहीं है ना बिल्कुल है तो जी बी का बिलियन बना लो भाई बीस ए बिलियन बीस बिलियन बीस बिलियन याद कर लो रट्टाफिकेशन भी कर लो ओके रट्टा की बात ही नहीं है बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ एम एम बी में एम से एम को याद रख लो एम बी मिलियन ओके एम से मिलियन जी बी में बीस से बिलियन जी बी में बीस से बिलियन ओके ये बाइट्स में है देखना बिट्स में नहीं दिया है बाइट्स में दिया है ध्यान रखना है सबको फिर टी बी की बात आती है ओके टी बी में क्या होगा टी बी में बताओ टीबी में देखो बीट्स में आएगा ना तो वो एक हजार चौबीस था ना वो याद रखना है में में ओके इसको बताओ टीवी में क्या आएगा ट्रिलियन यस समझ गए ट्रिक चाहिए भाई टी से टी को याद रख लो ना क्यों दिमाग को इतना ज्यादा जोर दे रहे हो भाई है ना टीबी से ट्रिलियन टी से ट्रिलियन एम से मिलियन जेबी से बी से बिलियन टीबी से टी से ट्रिलियन याद रहेगा ना सबको हाँ बिल्कुल और अब पी वी का क्या करोगे ये क्या है भाई क्वारिलियन बाइट्स क्वारिलियन बाइट बाइट्स में क्या करोगे पी तो पता है ना पी के बाद क्यू आता है पी ओके बस कुछ नहीं ओके पी क्यू तो पी क्यू याद रख लो एम से मिलियन जीबी से बिलियन फिर टीबी से ट्रिलियन पीबी पीबी से पी क्यू यानी कि क्वाडिलियन ओके क्लियर याद रह गए सभी के सभी और यहाँ पर ज़ीरो तो वैसे भी आपको पता है तीन तीन ऐड करते जाना है कुछ भी ना आए तो रफ पेज होता है ना रफ वर्क के लिए आपको पेज दिया होता है उसमें ही लिख लेना है सीक्वेंस बना लो के बी एम बी वाली के बी एम बी जी बी ओके फिर क्या था हमारा पी बी टी बी पी जी वाले में ई बी जेड बी और वाई बी बस ऐसे बना लो कुछ नहीं करना दस की टेन थ्री दस किसी दस की क्या करना है नाइट बस ऐसे ही आपको याद करना है देखो क्वेश्चन इस बार जो पूछे हैं ना वो इसी ट्रिक से आप सॉल्व कर पाओगे ओके दस की पंद्रह कर लो फिर दस की अठारह दस की इक्कीस और दस की चौबीस क्लियर बस यही है चलो जी अब इतना था आपका इसके अंदर ओके बहुत कुछ था नहीं लेकिन बहुत शोर शराबा कर रहे हो आप लोग दो तीन दिन से चलो जी क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता के क्रम में निम्नलिखित स्टोरेज क्षमता को सही क्रम की पहचान कीजिए अब सबसे बड़े से छोटे की ओर जाना है भाई ओके बड़े से छोटे की ओर जाना है क्या करोगे मैं ये क्या कर दिया अब हम क्या करेंगे कुछ करना नहीं है ओके यहाँ पर देखो के भी याद रख लो एम याद रख लो फिर के बी एम बी जी बी और टी बी तक ही दिया है कुछ नहीं दिया है ओके शुरश्रापा करने की ज़रूरत नहीं है दस की थ्री क्या थी भाई वन थाउजेंड था ओके एम बी में दस की सिक्स क्या था एक दो तीन चार पाँच ओके यहाँ पर कितना था दस की नौ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ लगा लो टी बी में क्या था दस की बारह थी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखो अब कैसे आप, आप बोलोगे तो गुना, कर गुना करोगे तो पंद्रह फिर जितने जीरो है उसको लगा लो छ आठ हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ओके ये इसके बाइट में कन्वर्ट हो गया भाई ओके तो इसको हमने क्या किया कन्वर्ट कर दिया पंद्रह फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ जीरो क्लियर अब केबी को करो भाई केबी में दिया है ना फाइव के बी दिया है अब देखो हमारे पास तो ये जो एक हजार है ना वो तो एक केबी का है फाइव केबी का लगा लो फाइव केबी का फाइव से इंटू करोगे ना हाँ बिल्कुल तो फाइव थाउजेंड हो गया ये तो वैसे भी इजी हो गया भाई फाइव थाउजेंड क्लियर ओके उसके बाद देखो उसके बाद वन जीबी की बात करते हैं वन जीबी में कितने हैं लगा लो दस की नो नू, नो पावर तो एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ओके उसके बाद टू टी बी है अब देखो ना भाई वन टी बी में ही इतना सारा कुछ है तो टू टी बी में कितना सारा कुछ होगा बारह ध्वनि चौबीस जीरो लगेंगे वैसे भी ये तो बड़ा हो गया भाई है ना तो यहाँ पर बारह दूनी चौबीस क्या न, ए, क्या लगेगा जीरो लगेंगे है ना वन टी बी के दस की बारह हैं तो यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे बारह जीरो लगेंगे चौबीस जीरो लगेंगे तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ओके तो ये वाला पहले ही आपका आंसर आ रहा है तो बाकी को उड़ा दो ना पहले से आपको पूछा क्या गया है बड़ी से छोटी की ओर जाना है तो पहले से इन लोगों को तो उड़ा दो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है अब मुझे ये बताओ ये वाला तो आपका सही हो गया भाई है ना ये वाला सही हो गया अब इनमें इन तीन में से कौन सा ज्यादा है बताओ यहाँ पर जीरो देखो तीन छः आठ यहाँ पर तीन छो जीरो है अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो आठ जीरो है यहाँ पर नौ जीरो है ये वाला ज्यादा है नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर पाँच है है ना यहाँ पर पाँच है यहाँ पर जीरो है मतलब कि ये दस है ये पंद्रह है हुआ ना यहाँ पर देखो ये आठ जीरो को लगा लो ये को देख लो यहाँ से हुई, ये पंद्रह है ये दस है अब समझ आए ना कौन सा बड़ा हुआ तो ये ए वाला सही हुआ है ना पंद्रह सो एम बी वाला सही हुआ तो ए वाला सही है बाकी को उड़ा दो भाई हो गया आपका आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर और फिर सेकंड नंबर पे बाइट वा, मतलब वन जी वाला आ जाएगा और फिर आपका फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा फोर्थ नंबर पर फाइव थाउजेंड वाला आ जाएगा केबी ओके जो सबसे तो कि सबसे छोटा है क्लियर तो आई होप यहाँ पर समझ आया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था ये वाला ओके

यहाँ पर लिखती हूँ ओके के बी एम बी फिर जी बी फिर टी बी और उसके बाद पी बी 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 कुछ भी नहीं है ओके टी बी तक ही है तो इसको पहले बना लो पहले वो दस की टेन वाली मतलब कि दस की थ्री वाली थी ना वही ट्रिक याद कर लो एक हजार हो गई यहाँ पर यहाँ पर दस की सिक्स हो गई यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ ओके उसके बाद दस की नाइन तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके उसके बाद दस की बारह है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब टेंशन नहीं लेनी मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ आपको ओके okay? देखो यहाँ पर कितना लिखा है हंड्रेड जीबी लिखा हुआ है तो जीबी बी यहाँ पर है ये जीबी की बात है ना यहाँ पर तो इसके अंदर हंड्रेड इसको गुना करूंगी तो क्या होगा इसके पीछे दो जीरो लग जाएंगे ओके कुछ नहीं करना था आपको दस के पहले तो ये जो नाइन जीरो थी उसको लगा लो पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ लगा ली और ये हंड्रेड की यहाँ पर दो जीरो लग गई क्लियर ये हो गया अब यहाँ पर तो आपको ये दिया ही हुआ ये बाइट्स में हमने कन्वर्ट किया किसमें किया बाइट्स में कन्वर्ट किया अब इसको कन्वर्ट करोगे बाइट्स में कन्वर्ट ही किया हुआ है तो उसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं वन है एक फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नो देखो यहाँ पर जीरो कितनी आ रही है पहले ये देखो तीन छ नो और दस जीरो आ रही मैं यहाँ पर जीरो की बात कर रही क्या जीरो कितने हैं ये दस है ओके दस ही है ना यस और यहाँ पर जीरो कितने हैं यहाँ पर जीरो देखो तीन छो और यहाँ पर भी कितने आ रहे है दस आ रहे कंफ्यूज नहीं होना है ओके दस ही वो रहे ना भाई देख लो तो एक बार हा हा एक सेकंड यस, हंड्रेड जीबी में तीन छः नौ दो ग्यारह हो रही है ओके यहाँ पर क्या आ गया तीन छः नौ दो ग्यारह ओके यहाँ पर ग्यारह जीरो है यस yes. और यहाँ पर टेन जीरो है क्लियर उसके बाद वन टीबी को लगा लो वन टीबी में हमने बारह ज़ीरो ओके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मतलब ज़ीरो कितने आए यहाँ पर ज़ीरो आ गए बारह बस जीरो को देखकर ही आंसर आएगा ओके अब देखो यहाँ पर कितने हैं एम बी है तो पहले एम बी को देखो एम बी में कितने हैं आपके एक दो तीन चार पाँच छः वो तो ऑलरेडी एक एम बी का है है ना लेकिन यहाँ पर तो कितने पूछे हैं भाई यहाँ पर आपको पूछा है एक लाख एम बी का पूछा है तो इतने जीरो जो है ना पीछे वाले वो सारे यहाँ पर ऐड कर दो एक दो तीन चार पाँच ओके कुछ नहीं करना था अब तीन छ तीन नौ दो ग्यारह डबल बार ग्यारह आ रहा है मैं आगे बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है क्लियर ओके उसके बाद देखो यहाँ पर है के बी के बी हमारा कितना है के बी वन के बी हमारा वन थाउजेंड है और यहाँ पर ये यह जो दिए हैं उसमें कितने जीरो है सिक्स ज़ीरो है तो एक दो तीन चार पाँच छः कितने हुए तीन छः नौ हुए यहाँ पर जीरो कितने हुए जीरो हुए नौ अब पूछा क्या है कम से अधिक पूछा है सबसे कम कौन सा है तो ई वाला सबसे कम है ओके तो ई ई वाला यी वाले को को रखो बाकी को उड़ा दो दो अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे उसके बाद बाद क्या आएगा नौ के बाद दस, दस जीरो वाला आता है बिल्कुल तो बी वाला रखो बाकी को उड़ा दो ओके बी वाला दोनों में बी वाला है कोई बात नहीं तीसरा भी डी वाला भी सभी में है तीनों में है मतलब कि दोनों में है सॉरी ओके डी वाला डी वाला ग्यारह उसके बाद क्या है ग्यारह वाला है ओके अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी ग्यारह है यहाँ पर भी ग्यारह है तो लेना किसको है तो देखो ना यहाँ पर ऑप्शन में डी ही दिया हुआ है आपको है ना तो आपको डी ही लेना है और कुछ नहीं लेना है ओके okay, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के डबल बार आते हैं ना तो आपको यहीं से क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है ओके okay? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ही, अगर उनको ए डी अरस प्रस भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया क्यों क्योंकि उनको पता है कि उनको यहाँ पर डी ही चाहिए उनको ए नहीं चाहिए उनको अभी बताया ए और डी की वैल्यू सेम है ओके okay, सेम बाइट्स बन रहे हैं लेकिन उनको तो डी रखना था ना तो उन्होंने डी रख लिया कोई दिक्कत नहीं है बाकी ओके okay, तो इसकी जो प्रॉब्लम थी आपके दिमाग में खड़ी हुई थी कि ग्यारह ग्यारह दोनों में जीरो है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना और फिर उसके बाद आता है देखो उसके बाद क्या आता है बताओ तो ग्यारह के बाद कौन सा आएगा भाई उसके बाद लास्ट वाला आएगा बारह वाला तो वो कौन सा है सी आएगा अरे भाई ए वाला रहेगा ना उसके बाद ये वाले को ले लेना है ओके ए वाले को लेना है बिकॉज ये ग्यारह है और लास्ट वाला आपका बारह है वन टी वाला ओके तो लास्ट वाला आपका क्या है सी है ओके ये आपको याद रखना था बारह जीरो है ना सबसे ज़्यादा है तो वो सी आ जाएगा तो यहीं से आपका आंसर बन गया ओके ए वाला यहाँ पर आ गया और सी वाला तो वैसे भी ज़्यादा था तो उन्होंने आगे रख दिया तो फोर्थ वाला वैसे भी चला गया सेकंड इज द तो करेक्ट आंसर समझ आया क्वेश्चन किस तरीके से सवाल किया जाता है ये और ट्रिलियन बिलियन मिलियन वाला जो है ना वो भी याद रख के जाना है ओके ओके ट्रिलियन बिलियन मिलियन वाला भी यहाँ पर याद करवा दो एक बार ताकि एग्जाम के अंदर चलो सेकंड इज द करेक्ट आंसर चलो यहाँ पर देखो केबी में क्या आएगा बताओ केबी में के बी में थाउजेंड केबी में थाउजेंड फिर के बी के बाद एम बी है एम बी को मिलियन है ना मिलियन फिर जी बी जीबी का क्या था बी से बिलियन ये याद रखना यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ओके फिर जीबी के बाद क्या आएगा टीबी टीबी में क्या आएगा ट्रिलियन और फिर टीबी के बाद आएगा पीबी पीबी से पी के बाद क्यू होता है तो क्वार क्वा क्वाड्रिलियन ओके क्वाड्रिलियन ओके इस तरीके से याद रखना था और कुछ नहीं था इजी है ना चलो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना है ईमानदारी से लाइक करना है ओके और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है ओके तो चलिए दोस्तों बाय टेक केयर सबको जय श्री कृष्णा